नमस्कार, मैं हूं लता सबरवाल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेकेंड सीजन ऑफ इमेज एम्पावरमेंट. तो हेल्दी क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप के लिए हमें चाहिए 1/4 कप ड्राई रोस्टेड ओट्स. ये जो हमारे नॉर्मल ओट्स होते हैं उसे ड्राई रोस्ट करके और कैसे पीसते हैं, इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप प्लीज जरूर देखिए. एक कप पारबॉयल ब्रोकली है. पारबॉयल ब्रोकली मतलब आप एक पतीले में थोड़ा पानी लीजिए, जब पानी बॉयल होने लगे तो ये ब्रोकली उसमें डाल दीजिए. 2-3 मिनट तक के बॉयल होने दीजिए, फिर उसे स्ट्रेन कर दीजिए. वैसे अक्सर लोग वो पानी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि आजकल हम इतना सुनते हैं, पता नहीं कैसी चीज़ें उगाई जाती हैं, पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं. सो आई लेट दैट वाटर गो. सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, लिटिल बिट ऑफ शुगर, वेरी लिटिल, और ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी अपने टेस्ट के हिसाब से. ये थोड़ा सा बटर है, 1/2 टीस्पून समझिए, जो कि इसके टेस्ट को भी एनहांस कर देता है. और जो भी फैट सॉल्युबल विटामिंस होते हैं, बहुत सी ऐसी विटामिंस होती हैं ए डी ई और के, जो कि सिर्फ फैट में ही अब्सॉर्ब होती है हमारी बॉडी में, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा फैट डाल देते हैं तो वो सारी विटामिंस हमें मिल जाती हैं, एलिमिनेट नहीं होती. एंड वाटर. सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स फॉर हेल्दी क्रीम ऑफ ब्रोकली सूप. और हाँ, अगर ये बोल भर के आप रात को खा लेते हैं तो ये आपके डिनर को कॉम्पेंसेट कर देगा. वैसे भी बोलते हैं कि रात को हल्का ही खाना चाहिए, तो आप ये सूप पी लीजिए, ये वेट लॉस में भी एड करेगा. लेकिन इसमें बटर की क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल कम कर दीजिए, बिल्कुल एक डॉलप थोड़ा सा बटर डालिए अगर आप इसे डिनर की तरह खा रहे हैं. सो लेट्स गो अहेड. सबसे पहले पतीले में मैंने ओट्स डाल दिए हैं 1/4 कप, और इसमें एक, दो और ये 3 times वाटर डाल के मैं इसे ठंडा ही हिलाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी. अब इसमें सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, मैं बहुत कम नमक खाती हूँ, वेरी लिटिल शुगर. पेपर मुझे ज्यादा पसंद है. ये सब हमने ठंडाई मिक्स कर लिया, अब हम इसे गैस के ऊपर रखेंगे. पानी बॉईल हो जाए उसके बाद उसमें ब्रोकली डाल दीजिए, 1 कप ब्रोकली. अब इसे हम 2-3 मिनट तक बॉईल होने देंगे. मुझे थोड़ा सा क्रंची पसंद है इसलिए मैं 2 ही मिनट तक बॉईल होने दूंगी. तो ये है हमारी पार बॉइल्ड ब्रोकली 1 कप. बस ये है कि आप जब ये हमने जो नीचे ठंडे पानी में मिक्स किया उसे ऊपर रखेंगे तो हिलाते रहिए. अगर आपको थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी पसंद है तो थोड़ा पानी और ऐड कर सकते हैं अपने अंदाजे से. ब्रिंग इट टू बॉइल. ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, गैस मैंने सिम कर दी है. मुझे थोड़ा पतला पसंद है इसलिए मैं हल्का सा पानी और डाल दूंगी इसमें. अप्रोक्सीमेटली जो 1/4 कप था वो 1 कप और, उसमें मैंने पहले 3 डाला था, आप समझ लीजिए 4 कप. फिर इसे थोड़ा सा बॉईल होने देंगे मीडियम गैस पे. ऑलमोस्ट हो ही गया है, इसमें हम ब्रोकली मिला देंगे पारबॉइल्ड. आप इसका थिक क्रीमी टेक्सचर देख सकते हैं, और पतला चाहिए तो और पानी मिला लीजिए. नाउ अगर ये आपके बच्चे खा रहे हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा चीज भी डाल सकते हैं. आई होप ये आपको भी उतना ही पसंद आए जितना मुझे पसंद आता है. रेसिपी की डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर पढ़िए. मुझे सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे.
Stay healthy, stay fit.